हिंदुस्तान पाकिस्तान व बांग्लादेश के बीच खेला गया एक बेहतरीन टूर्नामेंट। दोस्तों इस टूर्नामेंट की विशेषता इतनी थी कि इस टूर्नामेंट के फाइनल मैच का निर्णय इतनी जिद्दोजहद से निकला कि जिसने रोमांस की सारी हदों को पार कर दिया और मैच में इतना सस्पेंस क्रिएट कर दिया कि मैच देख रहे दर्शकों की सांसें रोक दी। एक ही क्षण में यह मैच हिंदुस्तान के पक्ष में तो दूसरे ही क्षण पाकिस्तान के पक्ष में। मैच का निर्णय निकालना बेहद मुश्किल हो चला था दोस्तों, और यह बात निश्चित थी कि जो टीम इस स्थिति में प्रेशर हैंडल कर लेगी किस्मत भी उसी का साथ देगी। दोस्तों इस टूर्नामेंट का शुभारंभ बांग्लादेश की धरती ढाका में किया गया और टूर्नामेंट का पहला मैच हिंदुस्तान व बांग्लादेश के बीच खेला गया। हिंदुस्तान ने बड़ी आसानी से इस मैच को जीत लिया और 5 विकेट लेने वाले श्रीनाथ को मैन ऑफ द मैच की खिताब से नवाजा गया। दोस्तों दूसरा मैच हिंदुस्तान में पाकिस्तान के बीच खेला गया। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को पटकनी देकर फाइनल में अपनी जगह बना ली। बेहतरीन शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को मैन ऑफ द मैच की खिताब से नवाजा गया। तीसरे मैच में पाकिस्तान बांग्लादेश को हराकर फाइनल में हिंदुस्तान से भिड़ने के लिए तैयार था। दोस्तों टूर्नामेंट को बड़ा व खूबसूरत बनाने के लिए फाइनल में 3 मैच कराए गए। फाइनल के पहले मैच में पाकिस्तान ने 212 रन का लक्ष्य हिंदुस्तान को दिया। जवाब में सचिन तेंदुलकर की 95 रन की ताबड़तोड़ पारी के चलते हिंदुस्तान यह मैच जीत गया। फाइनल के दूसरे मैच में हिंदुस्तान 189 रन का लक्ष्य ही पाकिस्तान को दे पाता है। जवाब में शाहिद अनवर के बेहतरीन 85 के चलते पाकिस्तान यह मैच आसानी से जीत गया। दोस्तों फाइनल के बेस्ट ऑफ 3 मैचों में दोनों टीमों ने एक एक मैच जीत लिया था और अब बारी थी निर्णायक फाइनल मैच की। फाइनल मैचों के इस फाइनल मैच ने हाई प्रेशर क्रिएट कर दिया था और ऊपर से हिंदुस्तान व पाकिस्तान मैचों की गर्मी, मजा तो आना लाजमी था। दोस्तों 18 जनवरी ढाका का मैदान और हिंदुस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग को चुनकर सबको चौंका दिया, क्योंकि प्रेशर वाले मैचों में पहले बॉलिंग को चुनना आत्मघाती निर्णय था और इस निर्णय को बिल्कुल गलत साबित कर दिया पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने। लग रहा था कि पाकिस्तानी बल्लेबाज कोई छोटी मोटी टीम के सामने फ्रेंडली मैच खेल रही हो। उम्मीद से कई गुना बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने, खासकर शहीद अनवर व इजाज अहमद ने, हिंदुस्तानी बॉलरों को बिखेर कर रख दिया। दोस्तों शहीद अनवर ने तो 14 चौके व 2 छक्कों के साथ 140 रन की बड़ी पारी खेल डाली दोस्तों, और बची कुची कसर इजाज अहमद ने 8 चौके व 1 छक्के के साथ 117 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पूरी कर डाली। प्रेशर वाले मैच में पाकिस्तान के 2 बल्लेबाजों ने बड़ा शतक जड़कर हिंदुस्तान को 314 रन का विशाल लक्ष्य देकर जीत की नींव रख दी थी। दोस्तों निसंदेह 1998 ईस्वी में इतने बड़े लक्ष्य को चेस करना अपने आप में ही महाभारत था, और इतने रन पाकिस्तान ने मात्र 48 ओवरों में बनाए थे, क्योंकि यह मैच टॉस में देरी की वजह से 48 ओवरों का हुआ था। ऐसे में लक्ष्य का पीछा करने उतरा हिंदुस्तान थोड़ा सहमा हुआ था और पाकिस्तान के बॉलर बड़े लक्ष्य की वजह से गदगद थे। ऊपर से पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप जिसमें आकिब जावेद, शकलैन मुश्ताक, अजहर महमूद, शाहिद अफरीदी जैसे खतरनाक बॉलर शामिल थे। ओपनिंग में बल्लेबाजी के लिए उतरे सौरभ गांगुली व मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, दोनों ने प्रेशर को दरकिनार करते हुए खेलना शुरू किया। टारगेट बड़ा था, इसलिए शुरुआत तो तेजी के साथ होनी लाजमी थी, और वो तेजी हमें देखने को मिली सचिन के बल्ले से। सचिन ने आते ही हर तीसरी बॉल को बाउंड्री पार पहुंचाना शुरू कर दिया दोस्तों, और देखते ही देखते हिंदुस्तान शुरुआती 8 ओवरों में 70 रन बना चुका था। हिंदुस्तान की शुरुआत अच्छी हो चुकी थी, परंतु तभी ताबड़तोड़ खेलने वाले सचिन 41 रन के निजी स्कोर पर अफरीदी की बॉल पर कैच आउट हो गए। सचिन ने इस पारी में 7 चौके व 1 छक्के के साथ 26 बॉलों को खेला था। दोस्तों उस समय पाकिस्तान का मानना था कि सचिन को आउट करो और मैच जीत लो, और ऊपर से इतना बड़ा लक्ष्य है पाकिस्तानी खेमे में खुशियां भरने के लिए काफी था। परंतु हमारी वीडियो का शीर्षक वो लोहार सौरभ गांगुली एक छोर को पकड़कर बैटिंग कर रहा था। आधी क्रीज पर आकर छक्के मारने वाला वो गांगुली शांत, बेझिझक व निश्चित होकर खेल रहा था। उसका आत्मविश्वास भरपूर था, उसके खेलने का स्वभाव बता रहा था कि वो मैच को जिताकर ही दम लेगा। सौरभ का साथ दे रहे रोबिन सिंह ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया और दोनों की बल्लेबाजी ने हिंदुस्तान को जीत की तरफ धकेल दिया। दोस्तों दोनों ने 8 ओवरों से लेकर 38 ओवरों तक बैटिंग की और 179 रन की पार्टनरशिप कर डाली। सौरभ गांगुली अपना शतक पूरा कर चुके थे, तो वहीं ताबड़तोड़ खेलने वाले रोबिन सिंह 4 चौके व 2 छक्कों के साथ 82 रन बनाकर मोहम्मद हुसैन की बॉल पर कैच आउट हो गए। हिंदुस्तान जीत की दहलीज पर खड़ा था। हिंदुस्तान को मात्र 59 बॉलों में 64 रन की जरूरत थी,
और क्रीज पर गांगुली का साथ देने आए मोहम्मद अजरुद्दीन, लेकिन शकलैन मुश्ताक ने कप्तान को 4 रन के निजी स्कोर पर कैच आउट करा दिया। फिर भी हिंदुस्तान बेझिझक जीत की तरफ बढ़ रहा था, परंतु 11 चौके व 1 छक्के के साथ तकड़ी फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे सौरभ गांगुली को आकिब जावेद ने 124 रन के निजी स्कोर पर बोल्ड मार दिया। दोस्तों, मैच में ट्विस्ट आना शुरू हो गया था। जहां हिंदुस्तान एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रहा था, तो अब वहां अड़चनों का बवंडर खड़ा हो गया था, क्योंकि शकलैन मुश्ताक ने अगले ओवर में नवजोत सिंह सिद्धू को 5 रन पर LBW आउट कर दिया, तो वहीं उससे अगले ओवर में अजय जडेजा को 8 रन पर बोल्ड मार दिया। दोस्तों, इस क्षण की अगर मैं बात करूं तो यह मैच निश्चित ही पाकिस्तान के पक्ष में जा चुका था। मैच ने विकराल रूप धारण कर लिया था। दोस्तों, सभी की सांसें अटक चुकी थी और क्रीज पर थे हरीश केस व नयन मोंगिया, लेकिन नयन मोंगिया को अभी और सस्पेंस क्रिएट करना था दोस्तों, क्योंकि खाली बॉल पर रन लेने के चक्कर में मोंगिया जी भी रन आउट हो गए। अब हिंदुस्तान को अंतिम 6 बॉलों पर 9 रन की जरूरत थी। मैच पूरी तरह से फंस चुका था। क्रीज पर थे हरीश केस और बॉलिंग की कमान खूंखार शकलैन मुश्ताक के हाथों में थी। हरीश केस ने पहली बॉल पर 1 रन चुरा लिया और क्रीज पर जवागल श्रीनाथ आ गए। दूसरी बॉल को श्रीनाथ ने उठाकर मारा और 2 रन लेने में कामयाब रहे। अब हिंदुस्तान को 4 बॉलों में 6 रन चाहिए थे। श्रीनाथ ने फिर से बॉल को उठाकर मारा और बॉल 3 फील्डरों के बीच में गिर गई। श्रीनाथ फिर से 2 रन लेने में कामयाब रहे। निश्चित ही किस्मत हिंदुस्तान का साथ दे रही थी दोस्तों। मैच का ऐसा हाल देखकर पूरा माहौल गर्मा गया था। हर किसी ने अपनी सीट को कसकर पकड़ लिया था। श्रीनाथ ने अगली बॉल पर 1 रन चुरा लिया और अब बची 2 बॉलों में हिंदुस्तान को 3 रन की जरूरत थी कि तभी हरीश केस ने अगली बॉल पर शकलैन मुश्ताक को चौका जड़कर यह मैच हिंदुस्तान की झोली में डाल दिया। 315 रन का लक्ष्य बड़ी जिद्दोजहद से हिंदुस्तान पार कर चुका था। शतकीय पारी खेलने वाले गांगुली को इस मैच का हीरो चुना गया दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।